brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया है? हमने अब जो लाभ मिल रही है साहब सरकार की, किसानी की भी लाभ मिल रही है और लाडली बहना वाली भी मिल रही है, तो उसी के हिसाब से डाले हैं अपन ने वोट किया। आपने जी करा ना, क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया? बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य सब पे। यही मुद्दे जी यार था, हमारा रातन कार्ड बना ही नहीं रहा। अच्छा, हाँ इस वजह से वोट किया आपने? हाँ। तो अभी नहीं बन पाया राशन कार्ड आपका? अभी 5 साल हुए नहीं बना। नमस्कार, मैं हूँ पुनीत कपूर और एमपी तक पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवनी के लखनादौन ब्लॉक में। ये लखनादौन विधानसभा मंडला लोकसभा के अंतर्गत आती है और मंडला लोकसभा की ये सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास है। आज हम यहाँ के लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने 19 अप्रैल को हुए चुनाव में किस मुद्दे को ध्यान में रखकर अपना वोट दिया है। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? अच्छे लाल। मतदान किया आपने? जी हाँ। क्या ध्यान में रख के मतदान किया, किस मुद्दे को ध्यान में रखा? अरे हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है का मुद्दा। क्यों नहीं हो रही आपकी सुरक्षा? अरे अब वो ग्राम पंचायत से ने कुछ नहीं, वो तो का है अब। हाँ? कौन करेगा सुरक्षा आपकी? सरकार ही करे। सरकार ही करे, अच्छा हाँ ना। ठीक, आप बताइए भाई, आपने मतदान किया है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुखचैन। क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया है? सरकार की वो करें अपन ने, सरकारी योजना मिल रही है। हाँ। अच्छा, उसको ध्यान में रखा। हाँ, उसके। भाई जी, आपने किया मतदान? नहीं करे भाई, आपने डाले वोट? क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया? बस विकास चाहिए हमको, इसलिए वोट डाले। अच्छा, कौन करेगा विकास, क्या लगता है? लगता है जो लोग करेंगे, जो जीतेगा वही करेगा, जो जीतेगा वो करेगा। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग हैं भाई, एक मिनट जाएगा। भाई जी, वोट डाला है आपने? क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया? हमने अब जो लाभ मिल रही है साहब सरकार की, किसानी की भी लाभ मिल रही है और लाडली बहना वाली भी मिल रही है, तो उसी के हिसाब से डाले हैं अपन ने वोट। क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाले हो? हमने डाल दा है। कुछ रहता है ना दीदी मुद्दे की, इस वजह से इसको देना है या उसको देना है, तो क्या सोच के डाले? अब हमने तो डाल दा है, हम कब बता दे। कुछ नहीं सोचे? पति देव ने बोला वैसा तो नहीं डाल दिए? पति देव ने बोला वैसा तो नहीं डाल दिए? नहीं। आइए आइए भैया, भैया दीदी, वोट डाले हो आपने? दीदी, क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाले आप? क्या बात ध्यान पे रख के आपने वोट डाले हो? क्या होता है वोट डाल के, अगर भूल भाल गए सर, भूल भाल गए ये होता है ना, ये पसंद है तो इस वजह से है, इस वजह से हम इसको वोट देंगे। किसमें डाले नहीं पूछ रहे, क्या मुद्दे को ध्यान में रखे? पंजा है, कमल है, सब तो है, सब है। चलिए दोनों है, ठीक है। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया दीदी, मतदान किया आपने? नहीं किया। आपने किया भैया? आइए, लोग थोड़ा सा बात करने से संकोच करते हैं। भैया मतदान किया है आपने? वोट डाला है 19 तारीख को जी। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, क्या किस बात को ध्यान में रख के वोट डाला है आपने? अपने मन को संत रख के, मतलब इसमें वोट डाला है। नहीं, आपने तो अपने मन को तो रख के डाला है, लेकिन होता है ना, किस बात ने प्रभावित किया कि इसको इस वजह से वोट देंगे हम? क्या वजह रही कि जिसको भी आपने वोट दिया है उसको वोट देने के पीछे क्या वजह रही? वजह यही रही, मतलब अब मध्यान्ह तो डालना ही पड़ता है, मध्यान्ह तो डालेंगे, इसलिए मध्यान्ह अपने कहीं भी रहें लेकिन मध्यान्ह अपन को डालना ही पड़ेगा। लेकिन वजह क्या थी? वजह ये थी, मतलब बहुत सारे 15-16 उम्मीदवार हैं, तो उसमें से किसी को भी आपने वोट डाला, तो क्या वजह से डाला? ऐसे सभी लोग बोले, मतलब कई मध्यान्ह डालने जाना, कई चलो तो बोले सभी लोग। दीदी आपने वोट डाला है? डाला है। दीदी क्या सोच के, देखो जिसको भी आपने वोट दिया है क्या सोच के वोट दिया है? नहीं बोल पाएंगे। बाबू जी रुकिए, तो मतदान किया है? वोट डाला है आपने? हाँ डाला है। क्या सोच के वोट डाला बाबू जी, किस मुद्दे को ध्यान में रखा? हमने या? अरे यार हम अभी नहीं बता, थोड़ी टेंशन में है। अच्छा टेंशन में, आप इधर आई। बाबू जी मतदान किया है? हाँ। क्या मुद्दे को ध्यान पर रखकर मतदान किया आपने? इधर गरीबों को, गरीबों को कहते हैं घर बना, इसलिए मुद्दे से
वोट डाला। अच्छा, आपने जो घर बना के दिया गरीबों को उस मुद्दे पर ध्यान रख के वोट डाला। हाँ। आप भैया आपने किया मतदान? हाँ। क्या ध्यान में रखकर वोट किया आपने? क्या मुद्दे हैं आपके जगह के, आपके गांव के क्या मुद्दे हैं? अब मुद्दे तो क्या है, वे सभी ये लोग हैं। क्या सोचकर वोट डाला है? जिसको भी वोट दिया है कुछ सोच के वोट डालते ना, इसको देंगे तो इस वजह से देंगे, किसको दिया वो नहीं पूछ रहे, किस वजह से दिया ये पूछ रहे हैं आप। जैसे बाबूजी ने बोला गरीबों को मकान बना कर दिया, अब मकान ही बना के जो गरीबों को मतलब राशन आसन सभी भी मिलते हैं, राशन भी मिल रहा है, इसलिए मकान भी बनाया है, इसलिए वोट दिए। अच्छा, इसलिए वोट दिया आपने? वोट दिया भाऊजी? कोई जो सवाल सभी से पूछा वही सवाल आपसे है, क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट दिया? भाई यही मुद्दे है कि मकान भी दिया, पैसे भी दे रहा है, और उसको न देंगे और उसको देंगे। अच्छा, जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसको ध्यान में रख के वोट दिया। आपने भैया? हाँ जी। क्या जी, क्या ध्यान में रख के वोट दिया? इस ध्यान में रख दिए हैं कि मोदी जी ने होते तो देश भी आगे न बढ़ते। अच्छा, इसलिए मोदी जी को वोट दिए। हाँ ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। भैया मतदान किया है, वोट डाला है आपने जी? क्या मुद्दे को ध्यान पर रख के वोट डाला है जी? बढ़िया बढ़िया, क्या काम? कमल, क्या सोच के दिया है? हमने ये सोच के दिए कि अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने भैया क्या मतदान किया है? हाँ। क्या ध्यान में रख के वोट दिया आपने? अरे विकास के लिए दिए यार। विकास के लिए जोर के यार। कौन विकास करेगा क्या लगता है? अरे अपन मोदी सरकार करेगी यार विकास यार। अच्छा, मोदी सरकार करेगी। ठीक है ना, आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाऊ जी वोट डाले हैं? हाँ डाल दिए। दिखाइए उंगली कहाँ पे है, क्या करना है? नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाले भैया? डाल रहे हैं वोट तो। नहीं, वोट डालने जाते हैं ना तो कई सारे उम्मीदवार होते हैं, तो अपन किसी उम्मीदवार को देते हैं तो कोई वजह होती है, कोई मुद्दा होता है कि भाई ये हमारी समस्या का समाधान करेगा करेगा। तो आपने क्या सोच के मतदान किया, क्या मुद्दा रहा आपके दिमाग में? अरे सब ठीक भैया, शासन तो बहुत कोशिश कर रही है, दे रही है, और क्या, बहुत मदद कर रही है शासन, बहुत मदद कर रही है, बहुत मदद कर रही है। अच्छा ठीक है, आई दीदी वोट डाले हैं? क्या नाम है आपका? माधवी पटेल। दीदी जब मतदान किए तो क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया आपने? जिसको भी आपने वोट दिया हो कुछ सोचा होगा ना आपने जहन में कि इस वजह से इसको वोट देना है, तो क्या वजह से वोट दिया हो आपने? कुछ सोच के दिए होंगे ना किसी प्रत्याशी को, जिस भी प्रत्याशी को दिए होंगे कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो कोई क्यों अच्छा लगा आपको? मैं वजह पूछ रहा हूँ आपसे। सब लोग बोलते हैं अच्छे हैं तो इसलिए बोलते। कौन अच्छे बोलते हैं? सब बोलते हैं। अच्छा, विकास करते हैं। ठीक है बाबू जी, वोट डाले हो आपने? वोट डाले हो जी? क्या नाम है बाबू जी आपका? दशरथ। दशरथ जी, मतदान किए हो तो किस मुद्दे पर मतदान किए हो आप? क्या बात को ध्यान पे रखकर वोट दिए हो आपने? हमने कमल पर। अच्छा, क्या ध्यान में रख के दिया आपने मतदान? अब जो ध्यान हम रोहा तो वही ध्यान में हमने दे दिया। अच्छा, वही ध्यान में रख के वोट दिए। चलिए भैया, बाबू जी आपने डाले वोट? क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम जी, क्या सोचकर वोट डाले आप, मतलब जिसको वोट डाले हैं क्या सोच के दिए? अरे अपन ने डाले के चलो जो भी जैसे मतलब, अरे चलिए आई डाल रहा तो डाले अपने। अरे लेकिन कोई सोच के तो डालते ना, देखो ये वहाँ पे नाम रहते हैं उम्मीदवारों के, अपन किसी एक को वोट देते तो क्या सोच के देते? अब जाहिर के भैया अरे उनको मत बन जाए के मतलब अपने डाल रहे। अच्छा डाल दें जी। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से। भैया आप तो यहाँ पर यहीं लखनऊ में रहते हैं? नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया वोट डाले हैं आपने? क्या नाम है आपका? योगेलाल। क्या सोचकर मतदान किए, क्या मुद्दा था दिमाग में आपके मतदान करते समय? मुद्दा है था ना अपन मतदान कर दिए, कुछ तो सोच के डाले होंगे ना भैया इस वजह से इसको देना है, तो किसको दिए वो नहीं पूछ रहे हैं, किस वजह से दिए, क्या दिमाग में था आपके? वो सब कुछ अपने मतदान कर दिया। कर दिया भाई साहब, रुकेंगे एक मिनट, मतदान किया आपने? नहीं, हम बाहर से आए। अच्छा बाहर से आए, आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करें जी। आप बात करेंगे? बिल्कुल, यहीं के हैं आप? लोकल के हैं। मतदान किया आपने जी? करा ना। क्या मुद्दे को ध्यान में रख के मतदान किया? बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य सब पे, सबको ध्यान में रख के वोट किया जी। यहाँ स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार के कोई साधन नहीं है,
ऐसा क्या लगता है कौन पूरा करेगा ये आकांक्षाएं आपकी? अब देखो आकांक्षाएं तो सब कह देते हैं, आप बताइए आपने वोट किया है? सर आकांक्षाएं तो क्या है ये किसकी नहीं है, लेकिन फिर ऐसा है अच्छा सबका कर क्या होता है, आदमी वोट वोट डालते समय ये सब जो मुद्दे हैं वो सब ध्वस्त हो जाते हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है वो है धर्म का। अच्छा ऐसा तो आपके दिमाग में भी चला ऐसा कोई? ऐसा है नहीं, हमारे दिमाग में नहीं चला है, मगर जो 60% मतदाता है वो आखिरी में मूवमेंट हो जाता है ऐसा। ठीक है आप भी यही कहेंगे? ठीक है सर बिल्कुल ठीक है ठीक है। इधर आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। बाबू जी भैया एक मिनट सुनना मैं, अरे सुन लीजिए साहब बात ही कर रहे हैं। वोट डाला है आपने जी? क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला है? बेरोजगारी है तो रोजगारी चाहिए हमको बोले। अच्छा तो कौन देगा रोजगार? यही देगा फग्गन सिंह कुलस्ते। अच्छा जी तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं शरमंगनी के। कुछ काम करते हैं? नहीं खेती बाड़ी करते हैं। इसलिए जो है नौकरी के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला जी? चलिए ठीक है भैया वोट डाला है नहीं डाला? आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। माता जी एक मिनट बस रुकेंगे, वोट डाला है आपने? हाँ। अच्छा क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला है? हत्याकांड जी? हत्या नहीं, क्या वजह है मतलब किस वजह से किसको वोट डाला है आपने? ये किसको वोट डाला ये नहीं पूछ रहे, लेकिन मुद्दा क्या रहा दिमाग में वोट देते समय? सुना है ना हमने नहीं समझे कर नहीं समझे। अच्छा चलिए उस तरफ चलेंगे, आइए अखिलेश जी रोड के उस तरफ कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया मतदान किया है आपने? वोट डाला है? हाँ वही तो पूछ रहे हैं ना जी, क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला है? अरे भाई वो नहीं बता मांगा हमने वोट डाला। हम थोड़ी बोल रहे किसको वोट किया है, वो तो गोपनीयता बनी रहे, क्या वजह से वोट किया है? वोट हमने डाले। क्या वजह से मतलब दिमाग में रहता ना इस वजह से इसको देंगे किसको दिए नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या रहा दिमाग में? हमने वोट डाल दिए। वोट डाल दिए भैया, वोट डाला है आपने? क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला है? विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे? विकास। अच्छा सिर्फ विकास? हाँ विकास, बीजेपी बहुत अच्छा कर रही। अच्छा जी इसलिए तो ठीक है। अंकल जी वोट डाले हैं? दीदी आप भी डालें, क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाले हैं? विकास का मुद्दा है, जैसे विकास का मुद्दा है। तो अभी विकास हो रहा है ठीक ठाक? अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है जी, अभी तो नहीं दिख रहा है। फिर कौन करेगा विकास क्या लगता है? अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। नहीं आपके हिसाब से कौन करेगा, वो तो परिणाम तो आएगा ही, जो भी अब नई जो सरकार गठित होगी उससे पता लगेगा वो विकास करेगी। अभी तक नहीं हुआ विकास लगता है? अब हो तो रहा है पर जो चाहिए वो नहीं हो रहा, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा और क्या? ठीक है भैया आपने किए वोट? आप किए? क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट किए? गाना बंद कर लीजिएगा भैया। हमने यही मुद्दे जी यार था, हमारा रातन कार्ड बना ही नहीं रहा। अच्छा हाँ इस वजह से वोट किया आपने? हाँ। तो अभी नहीं बन पाया राशन कार्ड आपका? अभी 5 साल हुआ नहीं बना। कहीं शिकायत की है इसकी? की है ना एक दो बार। हाँ। नहीं बन पा रहा तब भी? नहीं। आपने भैया? हम भी जो ही काम है हमारा, आपका भी वही काम है। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से आखिरी बात करते हैं। भैया मतदान किया है वोट डाला है? जी, क्या मुद्दे को ध्यान पर रख के वोट डाला है? मोदी जी। मोदी जी आप भैया? जिला का विस्तृत अपना लखनऊ क्षेत्र का विकास हो इसके इस समझ के लिए वोट डाला है। कौन करेगा विकास क्या लगता है? अपना ये मोदी सर को दिया है मैंने। अच्छा वो करेंगे विकास। आपने भैया क्या लगता है किसको वोट डाला, क्या मुद्दे को ध्यान में रख के वोट डाला? अरे हमने यही इसलिए वोट डाले हैं कि जो भी सरकार आए जनता का ख्याल रखे, बस यही चाहते। अभी की सरकार रख रही ख्याल? हाँ थोड़ा थोड़ा तो रख रही है। रख रही है और ख्याल रखने की जरूरत? हाँ और ख्याल रखने की जरूरत है। चलिए तो कुल मिलाकर जो मंडला लोकसभा सीट है यहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते साल 1996 से ही लगातार सांसद हैं। केवल एक बार साल 2009 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में उनको चैन सिंह बरगड़े ने उनके गृहनगर से चुनाव हरा दिया था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम के बीच बड़ा ही दिलचस्प है। जो मतदान हुआ है 19 अप्रैल को उसमें 5% कम मतदान हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी थोड़ी खुश है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि जो उनकी योजनाएं सरकार की उस वजह से वो फिर से एक बार जीत हासिल करेंगे। जनता से बातचीत में फिलहाल इतना ही, मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी तक।